हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार सैनी, आपका इनोवेटिव नर्सिंग क्वीन बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक अपना पीडियाट्रिक्स, और पीडियाट्रिक्स में हम जानना चाहेंगे बेसिक चीजें, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे। तो सिंपल अपना फर्स्टली पीडियाट्रिक में क्या रहेगा, पीडियाट्रिक्स का इंट्रोडक्शन रहेगा, जिसको हम CHN बोल सकते हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पीडियाट्रिक्स CHN भी बोल सकते हैं, CHN का मतलब क्या हुआ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। पीडियाट्रिक्स क्या होता है, देखो कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो पीडियाट्रिक्स का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये तो सभी को पता होगा कि बच्चों के बारे में जो भी स्टडी की जाती है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी केयर की जाती है, वो सभी पीडियाट्रिक्स होता है, ठीक है। फिर भी एक जो एग्जाम में फिक्स पॉइंट आता है एक एज के अकॉर्डिंग, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। तो पीडियाट्रिक्स क्या है, जिसका इंट्रोडक्शन देखा जाए तो पीडियाट्रिक्स में तीन वर्ड बना देते हैं क्या क्या। एक तो होता है पीडिया, फर्स्ट वर्ड तो क्या होगा पीडिया, सेकंड होगा या ट्रिका, दूसरा होगा या ट्रिका, और तीसरा पॉइंट रहेगा इसमें इक्स, ICS इक्स, ठीक है। इसमें तीन पॉइंट बना दिया अपन ने, ठीक है। तीनों पॉइंटों का मतलब क्या होगा, मीन्स एक एक को देखेंगे। पीडिया का मतलब होगा चाइल्ड, ठीक है, मतलब बच्चों की बातें हो रही है, ठीक है। दूसरा है या ट्रिका, इसका मतलब होगा ट्रीटमेंट, क्या मतलब रहेगा इसका, इसका मतलब रहेगा ट्रीटमेंट, ओके। देन हम बात करेंगे ICS इक्स का मतलब होगा ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, इसका मतलब होगा ब्रांच ऑफ साइंस। तो ये होता है क्या पीडियाट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है, ये एक साइंस की या विज्ञान की वह शाखा जिसमें बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है, चाइल्ड का ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी डिजीज को फाइंड आउट किया जाता है, उनकी केयर की जाती है, वो सब किस में आते हैं, पीडियाट्रिक्स में आते हैं। मीन्स आपको पता लग गया होगा कि पीडियाट्रिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, बच्चों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और बच्चों में जो जो डिजीज होती है और उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, उन सभी की बातें हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो रहा इसका सिंपल पीडियाट्रिक का मीन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा एग्जाम में, कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ये फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स से रायपुर एम्स 2020, ठीक है, कौन सा रायपुर एम्स में आया, रायपुर एम्स में क्वेश्चन आया, रायपुर एम्स में कौन सा क्वेश्चन आया कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन है। तो इसका नाम यदि हम बात करें तो कौन रहेगा, डॉक्टर अब्राहम जैकोबी, ठीक है, ये इसका क्या रहेगा, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स, ठीक है। अब फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स तो एक वर्ड में तो यही आंसर आएगा, और क्वेश्चन भी ऐसा ही, देखो लैंग्वेज थोड़ी सी भी चेंज होगी तो अपना आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें ये जानना है, यदि क्वेश्चन ज्यादातर तो यही पूछेगा एग्जामिनर कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन है, तो डॉक्टर अब्राहम जैकोबी लिखना है। बट यदि क्वेश्चन आ जाता है क्या कि फादर ऑफ अमेरिकन पीडियाट्रिक्स, क्या जाता है, अमेरिकन पीडियाट्रिक्स आ जाता है, और ज्यादातर यही आता है, ठीक है। दोनों में से एक पॉइंट जरूर एग्जाम में पूछ लेते हैं क्या, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स, तो नाम क्या आएगा, डॉक्टर अब्राहम जैकोबी, और यदि अमेरिकन पीडियाट्रिक की बात आए फादर की, तो उसका भी नाम आंसर क्या आएगा, डॉक्टर अब्राहम जैकोबी। इतना आपको क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कौन सा, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स वाला, क्लियर। आगे चलते हैं और देखते हैं और इसमें क्या इंपोर्टेंट बातें हैं। तो इसमें ये देखेंगे कि सर पीडियाट्रिक्स होता है या पीडिया होता है, उसमें कितने साल तक के बच्चे को ऐड किया जाता है, तो कितने साल तक के बच्चे को ऐड कर सकते हैं इसमें, या कितने साल तक के बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रहेगा जो पीडिया अपना, तो पीडिया में इंक्लूड करते हैं 0 to 18 ईयर, ठीक है, हम इंडिया में हैं तो इसकी बात करके चलेंगे, ठीक है, ये इंडिया की वैल्यू है। यदि हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में ये वैल्यू हो जाएगी 0 to 16 ईयर, ठीक है, लेकिन अमेरिका से ज्यादा अपने को मतलब नहीं रखना है, अपने को फोकस किसके ऊपर करना है, इंडिया के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो पीडिया जो अपनी सब्जेक्ट है, तो उसमें ट्रीटमेंट करते हैं या डिजीज को फाइंड आउट करते हैं, उसमें एज का निर्धारण किया गया, उसमें क्या है 0 to 18 ईयर, मतलब जन्म से लेके 18 साल तक के बच्चे को इंक्लूड करते हैं किसमें, पीडिया में, क्लियर।
सर इसके बाद यदि मोर देन 18 ईयर का जो बच्चा है या पर्सन है उसको किसमें इंक्लूड करेंगे, तो उसको अडल्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, उसको किसमें इंक्लूड करेंगे, अडल्ट में इंक्लूड करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रहा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, स्टेज एज या फिर पीरियड्स ऑफ ग्रोथ, पीरियड्स ऑफ ग्रोथ, ये अपना नेक्स्ट पॉइंट या हेडिंग होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट या हेडिंग कौन सी होने वाली है, स्टेज एज या पीरियड्स ऑफ ग्रोथ। मतलब बात ये है कि एक बच्चा होता है वो कंसीव होता है, प्रेगनेंसी होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो कंसीव होने से लेके एट द बर्थ, जब तक उसका बर्थ होता है और जब तक वो 18 साल तक का होता है, तो उसमें कैसी कैसी स्टेजेज आती हैं, कौन कौन से पीरियड्स आते हैं, कौन कौन से स्टेज से होके वो निकलता है, गुजरता है, वो सभी बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे इंट्रा यूटराइन पीरियड की बात करेंगे, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन पीरियड। इंट्रा यूटेराइन पीरियड का मतलब ये है कि बच्चा यूट्रस में है या अपनी मां के गर्भ में है, पेट में है या इन वॉम्ब है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन पीरियड। क्लियर। इंट्रा यूटेराइन पीरियड में दो चीजें आएंगी, कौन कौन सी, एक तो रहेगा 0 to 14 days या फिर 14 days को हम क्या बोल सकते हैं, 2 weeks भी बोल सकते हैं। सर यदि 0 to 14 days या 2 weeks तक होता है, इस पीरियड का क्या नाम होता है या इस पीरियड को क्या नाम दे सकते हैं, ठीक है, तो इस पीरियड को नाम दिया गया कौन सा, जायगोट। इसका क्या नाम दिया गया, जायगोट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट यही होता आपके सामने कि जायगोट जो होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 0 to 14 days या 0 to 2 weeks, ठीक है। कहां से, जीरो का मतलब यहां पे क्या है, बर्थ नहीं है, जीरो का मतलब ये कंसीव हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन से लेके 14 days या 2 weeks तक इसमें इंक्लूड करेंगे, जायगोट पीरियड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ऊपर बात करते हैं अपन, सेकंड पॉइंट कौन सा होगा, सेकंड पॉइंट कौन सा होगा, और अपना अभी टॉपिक क्या चलेगा, पीरियड्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, कि ग्रोथ कौन कौन से पीरियड में होती है, ठीक है, ये चैप्टर अपना टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आगे यहां से हटा देता हूं, आगे चलते हैं ना। चलो अब बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट रहा किसका, जायगोट का बात हो गया और 0 to 14 days या 2 weeks। नेक्स्ट बात करेंगे 3 weeks to 8 weeks, 3 weeks से 3 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह तक की यदि ये पीरियड होगा या स्टेज होगी ग्रोथ की, उस पीरियड का नाम देंगे क्या, एम्ब्रियो। क्या नाम देंगे, एम्ब्रियो। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है वो कितना होता है, 3 वीक से लेके 8 वीक तक होता है, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ठीक है, इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन का डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ इसी में होता है। इसमें थोड़ा सा और समझना, जो 3 to 8 weeks होता है एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स का सबसे ज्यादा मैच्योरेशन डेवलपमेंट या फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन सबसे ज्यादा इसी में बनते हैं, इसी पीरियड में। इस पीरियड में हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रेग्नेंट महिला है, वुमेन है, उसको टेरेटोजेनिसिटी जो भी ड्रग होती है, जो बच्चे के ऊपर साइड इफेक्ट डाल सकती है, उनको बिल्कुल अवॉइड करके चलेंगे, क्योंकि ऑर्गन्स का निर्माण इसी में हो रहा है, तो उसमें मेडिसिन यदि देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे के ऑर्गन पे फर्क पड़ेगा और ऑर्गन की कहीं ना कहीं एनोमली हो सकती है, ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस सबसे ज्यादा इसी में होता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड में या मदर के यूट्रस में या पेट में बच्चा है तो कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा फॉर्मेशन होता है ऑर्गन्स का या ऑर्गन बनते हैं, तो कौन से पीरियड में, एम्ब्रियोनिक पीरियड में, 3 to 8 weeks। क्लियर, ये बात सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अभी 9 weeks to birth, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता उसको कौन से पीरियड में इंक्लूड करेंगे, तो इसको बोलेंगे क्या, फीटस। क्या बोलेंगे, फीटस या फीटल पीरियड, फीटस बोल सकते हैं या इसको फीटल पीरियड बोलेंगे। क्लियर।
ये बातें आपको समझ में आ रही होगी बोली बातें, ठीक है। तो मैंने यही बोला कि कंसीव होने से लेके 14 डेज या 2 वीक तक उसको बोलेंगे जायगोट, देन उसके बाद में 3 वीक टू 8 वीक की बात करके चलेंगे एम्ब्रियो, जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस सबसे ज्यादा होता है, ऑर्गन सबसे ज्यादा बनते हैं, और ऑर्गन्स बनते हैं तो इसी वीक में जरूरत होती है बीबी को, मतलब उसकी मदर को देना चाहिए फोलिक एसिड ज्यादा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 9 वीक से लेके जब तक बेबी का बर्थ होता है उसको फिटल पीरियड या फिटस बोल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अभी इंट्रा यूटेराइन पीरियड की तो बात होती है कंप्लीट यहां पे, अब बातें करते हैं इसकी एक्स्ट्रा यूटेराइन पीरियड की, ठीक है। तो अब बात करेंगे एक्स्ट्रा यूटेराइन पीरियड, एक्स्ट्रा यूटेराइन पीरियड, एक्स्ट्रा यूटेराइन पीरियड का मतलब आप समझ रहे हो क्या कि ये सभी बातें यूटेराइन कैविटी से बाहर की बातें हैं, आफ्टर बर्थ की बातें हैं, ठीक है, जन्म के बाद की बातें, आफ्टर बर्थ की बातें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पीरियड आएंगे, जैसे कि मैं फर्स्टली बात करूं 0 to 28 days, मतलब एट बर्थ से लेके 28 days तक, या 28 को हम बोल सकते हैं, 1 month भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको इंक्लूड किसमें करेंगे, इस पीरियड का नाम देंगे क्या, नियोनेट, क्या नाम देंगे, नियोनेट नाम देंगे, ठीक है। अब इसमें भी दो क्वेश्चन आ जाते हैं अलग अलग कि अर्ली नियोनेट कौन सा होता है और लेट नियोनेट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें दो बातें करके चलेंगे, 0 to इसी की बातें हैं, इसके सब टाइप बोल सकते हैं, 0 to 7 days, 0 to 7 days होता है उसको बोलते हैं क्या, अर्ली नियोनेट, अर्ली नियोनेट। अब अर्ली नियोनेट ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है कि अर्ली नियोनेट का जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है, तो अपन ने बात कर ली यहां पे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बात करके चलेंगे, अर्ली नियोनेट जो पीरियड होता है उसमें सबसे ज्यादा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, NMR, जिसको बोलते हैं क्या, नियोनेटल मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट। बात आपको समझ में आ रही होगी, मतलब नियोनेट्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, आफ्टर बर्थ बच्चे की डेथ हो जाती है वो कौन से पीरियड में होती है, ध्यान से सुनाई के पॉइंट को, वहां पे अर्ली नियोनेट नहीं है, ओनली नियोनेट है इन्फेंट है चाइल्ड है या फिर और एडोलसेंट है, तो हम बात करेंगे नियोनेट की, वहां पे अर्ली नियोनेट नहीं है, तो नियोनेट की सबसे ज्यादा डेथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि नियोनेट में भी कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा डेथ होती है, तो बात करेंगे अर्ली नियोनेट में सबसे ज्यादा डेथ होती है, मतलब 0 to 7 days में ज्यादा डेथ होती है, उसको बोले नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, हाई होती है यहां पे। नेक्स्ट इसी में भी और बारीकी से और आगे जाके पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सर 0 to 7 days में भी सबसे ज्यादा डेथ होती है विद इन 24 hours, ये पॉइंट आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या बोला मैंने, विद इन 24 hours, मतलब 0 to 7 days तो है ही है, लेकिन 0 to 7 days में भी विद इन 24 hours, मतलब अभी बर्थ हुआ है और बर्थ के 24 घंटे के अंदर अंदर सबसे ज्यादा डेथ होती है, क्लियर। चलो तो ये आपका पीरियड कौन सा हुआ, 0 to 7 days अर्ली नियोनेट का हो गया। अब हम बात करेंगे लेट नियोनेट की, ठीक है। तो लेट नियोनेट किसको बोलेंगे, मैंने इसको सब डिवाइड किया है किसको, नियोनेट को, ठीक है, अर्ली और लेट। तो लेट नियोनेट की बात करेंगे, लेट नियोनेट की यदि बात करेंगे तो लेट नियोनेट कौन सा होगा, यहां पे 0 to 7 है तो यहां पे 8 to 28 days की बात कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे लेट नियोनेट, क्लियर। नेक्स्ट अब ये नियोनेट तो कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद आगे की बात करते हैं, आगे क्या होगा, हाँ अभी बात करेंगे 28 डेज से लेके यदि 1 year तक की बात करें तो इसको बोल के चलेंगे क्या, इन्फेंट, क्या बोल के चलेंगे, इन्फेंट, क्लियर, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है इंपोर्टेंट, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, फर्स्ट ईयर ऑफ
लाइफ, लाइफ का फर्स्ट ईयर वो कौन सा डेट होता है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इन्फेंट या इन्फेंट से पीरियड होता है वो लाइफ का फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इन्फेंट, क्लियर। तो उसको 28 डेज टू 1 ईयर बोल सकते हैं या फिर यहां पे 1 मंथ भी लिख सकते हैं, क्लियर। या फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, 1 मंथ टू 1 ईयर बोल सकते हैं, या 28 डेज टू 1 ईयर बोल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक की बात करेंगे तो इसको क्या बोल के चलेंगे, 1 to 3 ईयर बोलेंगे टोडलर, क्या बोलेंगे, टोडलर पीरियड बोल के चलेंगे, ठीक है। ये सिंपल सिंपल आपके क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे टोडलर से आगे जाएंगे तो क्या आएगा, टोडलर से आगे यदि बात करें तो कौन सा रहेगा, 3 to 6, ठीक है, 3 to 6 या 4 to 6 बोल सकते हैं, 3 to 6 ईयर, ठीक है। 3 to 6 ईयर की यदि बात करेंगे तो ये रहेगा प्री स्कूलर एज, क्या रहेगी, प्री स्कूलर एज रहेगी, मतलब स्कूल जाने से पहले प्री स्कूलर एज रहेगी, क्लियर। 6 to 12 ईयर की यदि बात करेंगे तो बात करेंगे स्कूलर एज, क्या रहेगी, स्कूलर एज रहेगी, जिसमें स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है बेबी, क्लियर। नेक्स्ट यदि बात करें 12 to 18 ईयर तो इसमें बात करके चलेंगे एडोलसेंट, एडोलसेंट की बात करके चलेंगे, और इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है एडोलसेंट में भी, क्या क्या एडोलसेंट में भी क्वेश्चन आ जाता है कि अर्ली एडोलसेंट क्या होता है, लेट एडोलसेंट क्या होता है, तो इसकी बात करते हैं यहां पे। तो अर्ली एडोलसेंट क्या होगा, अर्ली एडोलसेंट में बात करके चलेंगे इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, अर्ली एडोलसेंट में, यहां पे एडोलसेंट की बात हुई, एडोलसेंट में क्या होगा 12 to 18 ईयर होगा, एडोलसेंट में क्या एज होगी 12 to 18 ईयर होगी, ठीक है। तो इसमें अर्ली एडोलसेंट में होगा कितना, 12 to 14 ईयर, ठीक है, 12 से 14 ईयर, ठीक है, 12 टू 14 ईयर अर्ली एडोलसेंट होगा। और लेट एडोलसेंट की बात करेंगे, लेट एडोलसेंट की बात करेंगे तो ये होगा क्या, 15 टू 18 ईयर ये रहेगा लेट एडोलसेंट, ठीक है। अभी शायद आपको एहसास हुआ होगा कि सर यहां तक ही हमारा जो पीडियाट्रिक्स का पोर्शन होता है यहीं तक ही लिमिटेड होता है, सीमित होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, आगे बात कर लेते हैं कि सर मोर देन यदि 18 या मोर देन 20 ईयर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा किसमें, अडल्ट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, अडल्ट में आ जाएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट ये अडल्ट में आ जाएगा, इसमें भी अर्ली अडल्टहुड होता है, अर्ली अडल्टहुड होता है, मिडिल एडल्टहुड होगा और तीसरा पॉइंट होगा लेट एडल्टहुड, बुढ़ा तो अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है, लेट एडल्टहुड, क्लियर। तो अर्ली एडल्टहुड कौन सा होगा, 20 to 40 ईयर जो होगा वो होगा कौन सा, अर्ली एडल्टहुड, क्लियर। मिडिल में कौन सा होगा, 40 to 60 ईयर होगा, और लेट में कौन सा होगा, मोर देन 60 ईयर ये होगा लेट एडल्टहुड, क्लियर। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि इंसान बुढ़ा तो कभी भी नहीं होता, वो लेट एडल्टहुड में चला जाता है, क्लियर। चलो ये तो बात हो गई कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ या पीरियड स्टेज की बात हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनकी बात करेंगे यहां पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा कि मैंने बोला कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट होती है, जिसको न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट NMR बोलते हैं, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, मींस कि जो न्यूनेट होता है वो 0 to 28 डेज में होता है, तो उस टाइम पीरियड में यदि उसका डेथ हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे, उसको निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट यदि 2019 का डाटा यदि देखें तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना है,
25.9 के आसपास है, ठीक है। ये न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट है, 2019 के आंकड़े बताते हैं, ठीक है। न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट मैंने बोल ही दिया कि 0-7 डेज सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट 0-7 डेज में भी विद इन 24 आवर्स में सबसे ज्यादा होता है, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसमें न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट में जो मेन कॉज होता है, क्या मेन कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट में जो मेन कॉज होता है, मेन कारण होता है डेथ का, कौन सा होता है, तो वो होता है प्री मैच्योरिटी। क्या होता है? प्री मैच्योरिटी ये मेन कॉज होगा, क्लियर। प्री मैच्योरिटी ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्या? मेन कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट इज प्री मैच्योरिटी, क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये न्यूनेट की बात होगी, अब बात करते हैं इन्फेंट की। किसकी बात करेंगे? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में क्वेश्चन क्या बनता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम अपनी इंडिया में कहां देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अपनी इंडिया में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जिसको IMR बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलता है या पाया जाता है, होता है मोर्टिलिटी, तो वो होगा कहां पे? एमपी में होगा, एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है, कितना होता है वो होगा 45 कितने पे? हजार पे, ठीक है। 1000 पे कितना होगा? 45 डेथ हो जाती है, वो मध्य प्रदेश में होगी, एमपी में होगी, जो इंडिया की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि सबसे कम कहां पे होती है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, सबसे कम कहां पे, मिनिमम सबसे कहां पे कम कहां पे देखने को मिलती है, तो उसकी बात करके चलते हैं। इंडिया में यदि देखें तो केरला में सबसे कम क्या होती है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होती है, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट केरला में कितने देखने को मिलती है? वो रहेगा 7। 7 कितने पे? 1000 पे। जब भी 1000 लाइव बर्थ होते हैं उनमें टोटल 1000 बर्थ होते हैं, ठीक है, उसमें से 7 डेथ होती है, उसको बोलते हैं क्या? मिनिमम केरला में होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की। और न्यूनेट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेन कॉज का होता है वो मैंने बता ही दिया, क्या? प्री मैच्योरिटी होता है। उसमें एक बात आपको बताना भूल गया, क्या? उसमें प्री मैच्योरिटी तो मेन कॉज होता है, सेकेंड मेन कॉज होता है क्या? LBW, लो बर्थ वेट होता है। अदर कॉज की यदि बात करेंगे तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं डायरिया, ऐड कर सकते हैं न्यूमोनिया, ऐड कर सकते हैं कंजनाइटल हार्ट डिजीज, ऐड कर सकते हैं बर्थ एक्सपेक्सिया, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन कॉज क्या है? प्री मैच्योरिटी, सेकेंड LBW बोल सकते हैं, क्लियर। तो ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गई। अब सर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा कि मेन कॉज इसमें क्या होता है? सर मेन कॉज यदि इसमें बात करें तो इसमें रहेगा न्यूमोनिया। क्या रहेगा? न्यूमोनिया। तो अलग अलग क्वेश्चन बन रहा है, एक वर्ड चेंज होती है, अपना आंसर चेंज हो रहा है, तो शायद ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। तो यही पे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक्स और इसमें स्टेजेज या पीरियड्स ऑफ ग्रोथ यहीं पे फिनिश होता है। ओके, धन्यवाद।